डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारत के महान शिक्षकों और विचारों में प्रमुखता के लिए माना जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और उनका यह जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षक, विद्वान, दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने जीवन भर शिक्षा के महत्व को समाज में स्थापित करने का प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षक समाज के निर्णय में अहम भूमिका निभाते हैं और छात्रों के जीवन को नई दिशा देते हैं। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके छात्रों और दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की। इसका जवाब में उन्होंने कहा, यदि आप मेरे जन्मदिन को विशेष बनाते हैं तो आप इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के माध्यम से देश की नई पीढ़ी को प्रबुद्ध करने का सपना देखा और अपने विचारों को माध्यम से इसे साकार भी किया। उनका जीवन आज भी शिक्षकों और छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का ये दिन उनके योगदान को याद करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शिक्षकों को बधाई दी और उन्होंने देश के भविष्य के निर्माता से कहा कि उन्होंने अपने संबंधों में कहा, शिक्षक समाज का वो स्तंभ है जो नई पीढ़ी को नहीं बल्कि पूरे ज्ञान प्रदान करने के लिए बल्कि उनके चरित्र निर्माण का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों का योगदान अमूल्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस अवसर पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षकों का समाज में सम्मान और भी बढ़ना चाहिए क्योंकि वे छात्रों के जीवन को दिशा देने का नया कार्य करते हैं। इस अवसर पर देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। देश भर के छात्रों ने भी अपने शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। स्कूलों में छात्रों ने अपने शिक्षकों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। कई जगहों पर छात्रों ने अपने शिक्षकों को फूल और उपहार भेंटने दिए ताकि वो उनके प्रति और प्रेम व्यक्त कर सकें। दिल्ली के एक प्रमुख स्कूल की छात्रा ने कहा कि शिक्षक सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। मेरे शिक्षक मेरी प्रेरणा स्रोत है और आज जो भी कुछ हूँ उसमें उन्हीं का योगदान है। इसी तरह से कई अन्य छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उनके शिक्षक उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से भी शिक्षकों ने भी इस दिन का विशेष बनाने के लिए अपना अनुभव साझा किया। शिक्षक ने कहा, शिक्षक होना एक सिर्फ पेशा नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। जब एक शिक्षक अपने छात्रों को सफल होते देखता है तो और गर्व और संतुष्ट हो जाता है। ये दिन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षक दिवस न केवल शिक्षकों के प्रति सम्मान का प्रतीक है बल्कि शिक्षा के महत्व और समाज में शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए अवसर देता है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।